हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक मॉडर्न क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास नाइन्थ के इंग्लिश बुक से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज आपको क्लास नाइन्थ और टेंथ के मिलेंगे। इसके अलावा आप टेंथ सीखना चाहते हैं तो भी आप टेंथ के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। पैराग्राफ्स, एसेज, निबंध के लिए भी आप लोग सभी मेरे चैनल में जितने भी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर सर्च करें, एक बार जाएं, देखें और फ़ायदा उठाएं। आज का क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन द टाइटल अ हाउस इज नॉट अ होम। और आपको जो है एक नोट लिखना है कि कैसे एक हाउस एक होम नहीं होता है। हाउ फार इज इट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, और यह किस तरह से एक एप्रोप्रिएट टाइटल है, यानी उचित शीर्षक है। ए हाउस इज़ नॉट अ होम मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक हाउस होम नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि हाउस और होम के बीच थोड़ा सा अंतर होता है। ए हाउस मीन्स सिंपली द बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एट्सेट्रा। एक हाउस का मतलब होता है कि यह सिंपली एक बिल्डिंग होता है जो कि ब्रिक, सीमेंट या वुड से बना होता है, यानी ईंट, सीमेंट या लकड़ी से बना हुआ होता है। बट अ होम मीन्स अ बिल्डिंग प्लस ऑल द ह्यूमन वार्मथ, लव एंड अफेक्शन। लेकिन एक होम का मतलब होता है कि बिल्डिंग तो रहता ही है, साथ ही साथ उसमें फैमिली मेंबर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है, स्नेह की भावना होती है। देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट टू इट, और उस बिल्डिंग से, उस घर से इमोशनल अटैचमेंट रहता है, इमोशनल लगाव रहता है। द ऑथर फेल्ट लोनली विदाउट हिज फ्रेंड्स एट द न्यू हाउस। अपने नए घर में लेखक बिल्कुल दोस्तों के बिना अकेलापन महसूस करते हैं। ही हैड अ हाउस देन, और उस समय यह घर कहलाएगा क्योंकि उसमें न फ्रेंड्स थे, कोई नहीं था। तो ही हैड अ हाउस देन, तब यह एक घर था। बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, लेकिन यह घर आग से नष्ट हो गया, आग लग गई उसमें। इट बिकेम होम वेन इट वॉज रीबिल्ड, लेकिन जब इसे फिर से बनाया गया तो यह एक होम बन गया। कैसे, हम लोग जानते हैं। इट हैड हिज केट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, और उस घर में उसकी बिल्ली वापस आ गई, उसके दोस्त उन्हें मिल गए। इवन द पीपल हु डिड नॉट मीट हिम अर्लियर विजिटेड हिम, और घर में आग लग जाने के बाद जो लोग उनसे मिलते नहीं थे वे लोग भी उनसे मिलने आते थे। He got some new friends due to the fire, और उस आग लगने की वजह से उसे कुछ नए दोस्त मिल गए। What the people did for him after the fire was real love, और आग लगने के बाद जो लोग उनके लिए काम किए वो बिल्कुल real love और affection था। That's why he felt that his cat was back and so was I, और इसलिए उसे लगता था कि उसकी बिल्ली भी उसे मिल गई और उसका घर भी उसे वापस मिल गया। Thus the title is appropriate, इस तरह से यह जो शीर्षक है यह बिल्कुल appropriate है, उचित है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।